हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जामिनेशन में। हम आपको आज बताएंगे एसएसबी हेड काउंसिल मिनिस्टर और एएसआई स्टूडेंट के सिलेबस, मेरिट लिस्ट, स्किल टेस्ट, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में क्या आएगा, पेपर टू में क्या आएगा, आपके मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आप पेपर वन में कितना लाना है, पेपर टू में कितना लाना, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। तो वीडियो को आप छोड़कर मत जाइएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल पर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको डिफेंस की सारी जानकारी दी जाती है। यानी कि अब मैं स्पेशली आप लोगों को ITBP, SSB और CISF के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपको कोई पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कॉल, मैसेज, ही मेरा व्हाट्सएप मैसेज भी है, नंबर भी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करो, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ, आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो जैसा कि मैं नोटिफिकेशन में पेज नंबर 11 पे आ गया हूँ, पेज नंबर 11 ये है। इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसमें आ जाइए और मैं आपको ये भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वो भी अपना कुछ पूछना रहता है उसमें पूछते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है रिटर्न एग्ज़ाम आपको ये है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूँ। यदि आप अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड निकाल दें, और कैसे निकालें उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप उसको देख लीजिए, और क्या क्या ले जाना है वो भी आप देख लीजिए, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई डॉक्यूमेंशन विल बी अपेयर इन रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर वन एंड पेपर टू टेक्निकल एग्जाम नेशन और स्किल टेस्ट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यानी कि पेपर वन, पेपर टू, स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जाम किस में होगा वो नीचे दिया गया है, तो सारी जानकारी है। तो पेपर वन आपके लिए सभी लोगों के लिए है, जितनी भी सारी पोस्ट हैं SSB की, यानी कि हेड कांस्टेबल, ASI स्टेनो, SI, ASI डेंटल, थिएटर, टेक्निकल, जितने भी सारे पोस्ट हैं सारे लोगों का। पहला पेपर सभी लोगों का एक समान होने वाला है और दोनों पेपर एक ही दिन होगा। तो चलिए मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर में आपको क्या लिखा, इसमें आपको इससे आपने दिखाई पड़ा होगा, फॉर ऑल पोस्ट पेपर वन विल बी ऑफ 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर आपका आएगा जनरल नॉलेज, दूसरा आएगा न्यूमेरिकल यानी कि मैथ आएगा, तीसरा आपका आएगा रीजनिंग, चौथे में आपको दो ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या तो आप हिंदी कर सकते हो। यानी कि चार टाइप के क्वेश्चन आप आने वाले हैं जिसमें सारे पोस्टों का करना है। ये 100 नंबर रहेगा, 100 नंबर 100 क्वेश्चन आपका, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया निगेटिव मार्किंग होने का, तो ये निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका परसेंटेज क्या बनेगा, यानी कि जनरल OBC का 50% और 45% SC ST वालों का है। तो ये जो चार टाइप के क्वेश्चन हैं ये पेपर वन सभी लोगों के लिए। अब पेपर टू में दो कैटेगरियाँ हैं, तो मुझे आज बताना है ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। तो चलो मैं बताता हूँ उसमें क्या आएगा। तो आपका ये है, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में, तो आपका इसमें आएगा पेपर सेकंड में आपको एक एसे लिखना रहेगा 25 नंबर का रहेगा, एक पैसेज रहेगा 25 नंबर का, एक लेटर रहेगा 25 नंबर का, एक कम्प्रिहेंसन रहेगा 25 नंबर, बोर्ड समझ पे आता है वो 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि चार टाइप क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। यहाँ भी नीचे आप थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर उन्होंने कह दिया पेपर टू ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी चेक्ड हु विल सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क इन पेपर वन, ठीक है। यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर वन पर बनेगी, पेपर टू पर नहीं बनेगी। इन्होंने नीचे लिख दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ पेपर टू विल बी, यानी कि आपको पास होना जरूरी है पेपर टू में, तभी आपका मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट पे बनेगी, अन्यथा आप इसमें फेल हो जाते हो तो आप दोनों पोल फेल कर दिया जाएगा। भले आप फर्स्ट में कितना अच्छा स्कोर कर लेते हो आपको दोनों पर आपको फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना, सेकेंड पर आपको इतना ध्यान देना कि हम बस कितना से पास हो जाएँ। तो इसमें भी आपकी कट ऑफ जो बनेगी पेपर सेकेंड में 50% जनरल OBC की है और 45% SC ST की है। ये चीज़ थी कि आपका मेरिट लिस्ट कब बनेगा,
आप मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपका स्किल टेस्ट है, तो ये चीज़ें थी। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा जानकारी था आप लोगों को बताने के लिए। आप उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपको कुछ भी मैंने भूल गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है, मेरिट लिस्ट किस पर बनेगी, स्किल टेस्ट कब होगा, सारी जानकारी मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव तो आप बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।